खांसी आ रही है, बलगम निकल रही है, वो खांसी छाती में गंदगी जम गई, वो खांसी से बाहर निकल के साफ हो रही है, तो क्या बीमारी है वो मुझे ये तो बता दो। वो नहीं वो बीमारी मुझे है ही नहीं है, बल्कि मतलब बीमारी अंदर से निकल रही है तुम्हारी। कई बार ना सो नहीं पाती हूँ, ज्यादा हो जाती है खांसी, तो क्या हो गया, खांसी ज्यादा बंद बढ़िया बढ़िया वो ज्यादा निकाल रही है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम क्या अब है ही नहीं बीमारी, जो प्रॉब्लम तब बताए ना, कोई बीमारी हो तब तो बताए। उसके लिए फिर जो भी हम भोजन खाते हैं उसका मोटा मोटा मल मल द्वार से बाहर निकल जाता, मोटा मोटा मल यूरिन से निकल जाती है गंदगी, ठीक है। और जो उसमें से कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं और जो अनडाइजेस्टेड होते हैं, पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुए, वो जो है हमारी बॉडी में किसी भी भाग में जाके कुछ जम जाए, कुछ छाती में चले गए, कुछ मस्तक में चले गए, कुछ खून में चले गए, कुछ आंतों में जमा हो गए, ठीक है। अब जब वो वहां इकट्ठे हो जाते हैं महीना दो महीने तीन महीने बाद, तो बॉडी उसको साफ करती है, छाती में आई गंदगी को खांसी दे दे के उसको निकालती है, उसको निकालती है बाहर, ताकि सफाई हो जाए, फेफड़े साफ हो जाए, आपको अस्थमा ना हो। तो वो आपके अंदर में जो बलगम आ गई छाती, वो खांसी दे के निकाल रही है बाहर, तो क्या बीमारी है जी, सफाई हो रही है शरीर की। अब आप उसको दवाई खा के रोकेंगे, आपको अस्थमा बन जाएगा ये कुछ दिनों बाद, वो बलगम सूख जाएगी अंदर में, सूखने के बाद आपको लगे मेरी खांसी ठीक हो गई, लेकिन कुछ देर बाद फिर आएगी, फिर दवाई खा लोगे, फिर सूख जाएगी, सूखते सूखते वो जो है अंदर में अस्थमा बन जाएगा, इतनी जम जाएगी, पूरा भर जाएगा, क्या भर जाओगे तो इतना अंदर में, फिर आपको होगा मुझे सांस की प्रॉब्लम होगी, फिर आपके इनहेलर शुरू हो जाएंगे, दवाइयों पर दवाइयाँ, दवाइयों पर दवाइयाँ, बीमारियों पर बीमारियों, बीमारियों बीमारियों भोगे जाओ।